मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर से बनी हुई मिठाई। नवरात्रि शुरू हो गए हैं तो हमें फलहार के लिए या फिर मीठा ज़्यादा खाना हम पसंद करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। पनीर और मिल्क की मिठाई बनाने के लिए ये मैंने 1 कप पनीर को ले लिया है, अच्छे से ग्रेड कर लिया है। ये 150 ग्राम के करीब पनीर है और इसको अच्छे से कद्दूकस से कस लिया है। आप चाहे तो इसे हाथ से तोड़ भी सकते हैं। और उसी कप से, जिस कप से हमने पनीर लिया है, उसी कप से 1 कप मिल्क पाउडर लेना है और उसी का 1/2 कप दूध लेना है। तो चलिए पहले हम इन सबको एक साथ मिक्स करते हैं। पहले हम इसमें पनीर डालेंगे। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है। उसके बाद मिल्क पाउडर, उसके बाद 1/2 कप दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पे गैस को ऑन कर देते हैं। अब इसे चलाते हुए ही पकाइएगा जिससे कि ये तले में चिपकेगा नहीं। और इसमें 1 चम्मच हम घी डाल देंगे और इसे चलाते हुए 10 मिनट तक पकाएंगे। दस मिनट पकने के बाद देखिएगा ये मिक्सचर जो है वो आपके बर्तन को छोड़ रहा है, एक जगह सिमटने लगा, ये गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी जो है वो 1/4 कप डालना है और अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। चीनी आप पे डिपेंड है कि आप कितना मीठा खाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट अब इसे और पकाएंगे हम। पाँच मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि ये और थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारा कंप्लीट हो गया है मिठाई। तो इसे हम थोड़ा सा इसमें से लेके और थोड़ा ठंडा होने देंगे, तब तक हम इसे चलाते भी रहेंगे। अब इसे हम चेक कर लेंगे कि क्या ये गोली की तरह बन रहा है। ये देखिए, ये एक जगह सिमट गया, ये लड्डू की तरह तैयार हो गया, मतलब ये हमारा हो गया। आगे अब हम इसे पलट लेते हैं। ये मैंने बर्तन सेट कर रखा है इसको सेट करने के लिए। आप घर में कोई भी ट्रे
या कोई भी आप इसमें राउंड शेप में या किसी भी शेप में आप इसको डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला फैला लें। इक्वल कर ले इसे अच्छे से। ये मैंने इसे फैला लिया। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, या तो आप इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए डाल ले या फिर ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दे। 10 मिनट हो गए हैं, ये बर्फी अब सेट हो गई होगी। मैंने इसे फ्रिज में डाल दिया था। अब हम इसे निकाल के मैंने पलट लिया इस पे प्लेट पे। अब हम इसको काटते हैं जिस साइज में हमें काटना है। साइज हम आप पे डिपेंड है कि आप इसे किस साइज में काटेंगे। अभी से हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से सजा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये दूध और पनीर की मिठाई बनके तैयार हो गई।